पूर्णेन्दुसुन्दरमुखि प्रतिभाविरामे वामे विदेशवचसां वचसा विरामे गीर्वाणवाणी भुवनाभरणं भवत्या वंदे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्या वंदे गुरुपदद्वंद्वं अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रं अतर्क्यं त्रयीपुरं महा नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गो माता की जय गो हत्या बंद हो हर हर महादेव। समुपस्थित स्वामी जी ज्योतिषपीठ शास्त्री आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी मंच का सुंदर संचालन कर रहे भाई ब्रह्म विद्यानंद ब्रह्मचारी जी शारदाम्बा पूर्णाम्बा बहने संदीप और उनके सब साथीगण यहाँ पर उपस्थित आप सभी समादरणीय सुधी श्रोता वृंद आदरणीय मातृशक्ति आज विराट कथा है। विराट अपने लोगों ने भागवत जी की कथा में विराट के बारे में सुना है, लेकिन कथा इसमें कौन सी कथा कही जाएगी, विराट का प्रसंग बताने के लिए कौन सी कथा कही जाएगी, ये थोड़ा सा कठिन है। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो संसार है इस संसार का सार क्या है। सार का मतलब वो वस्तु जिस जो इस संसार में मूल रूप से व्याप्त है। जैसे अपने लोग एक बहुत बड़ा पेड़ देखते हैं ना,
लेकिन बड़े पेड़ को आज हम देख रहे हैं बड़ा हुआ, लेकिन बड़ा पेड़ पहले भी बड़ा था, कुछ दिन पहले इतना बड़ा नहीं था जितना अभी बड़ा है, और उसके भी कुछ दिन पहले और उतना बड़ा नहीं था जितना पहले था, और फिर इसी तरह से धीरे 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 भूतकाल में हम चले जाएं तो हमको क्या दिखाई देगा कि ये जो बहुत बड़ा पेड़ है ये तो एक छोटे से बीज के अंदर समाया हुआ था, इतना छोटा सा एक बीज था और उसी को हमारे किसी पूर्वज ने ला करके मिट्टी में बो दिया, खाद पानी दिया, सही रोशनी मिलती चली गई, किसी ने चोट नहीं पहुंचाई और निरंतर बढ़ता रहा, धीरे 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 पता ही नहीं चला कि कब बढ़ा, लेकिन देखते देखते वो छोटा सा जो बीज था वो कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि हमारे आप जैसे 100-200 लोग उसके नीचे बैठ जाएं तो सबको छाया कर दे। तो विराट, आपने नाम सुन रखा है कि विराट, विराट माने बहुत बड़ा। 1993 ईस्वी में इसी मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सम्मेलन हुआ था जिसको विराट सम्मेलन कहा गया था, उसका नाम था विराट साधु महात्मा सम्मेलन। कौन कौन उस समय आकर के भाग लेकर के देख चुका है, ये देखिए हमारे खजांची जी भी हैं और अग्रवाल जी भी हैं, संदीप भी हैं, ये हमारे गायक क्या नाम है राधे श्याम भी हैं, इधर भी कई लोग, ये सब लोधी समाज के लोग हैं, ये लोग भी हाथ उठा रहे हैं, पीछे से भी कुछ लोगों के हाथ उठे थे। हाँ उधर देखो, थक जाते हैं इतनी जल्दी कि नीचे कर लेते हैं। ठीक ठीक, इसका मतलब है कि आप में से बहुत लोगों ने वो विराट साधु महात्मा सम्मेलन देखा है। तो विराट का मतलब आपके मन में ये हो गया कि जो बहुत बड़ा उसी का नाम विराट है ना, इतना बड़ा जिससे बड़ा कोई नहीं, उसी का नाम विराट। तो जहां कहीं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला होता है तो हम उसको विराट कहते हैं, विराट माने बड़ा। लेकिन अभी हमने बताया कि जो बड़ा होता है वो एकदम से थोड़े बड़ा हो जाता है, वो पहले कभी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि कह नहीं सकते हैं। वो जो बीज आप देख रहे हैं वो तो उसमें वो जो अंकुरण की शक्ति है, जब आप देखेंगे बीज में से अंकुरित हुआ कुछ अंकुर तो आप देखेंगे कि ये जो बीज है वो तो जैसा का तैसा ही है, माने वो बीज भी पूरा वो वस्तु नहीं है, वो बीज तो सड़ जाएगा, उसके अंदर अंकुर की जो शक्ति है वो इतनी सूक्ष्म है कि उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, और उसी अंकुरण की शक्ति से अंकुरित होकर के वो बीज देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही इतना बड़ा हो जाता है कि हम कहते हैं एक बहुत विराट वृक्ष के नीचे आज हम लोग खड़े हैं, यही ना। तो आपके मन में ये जो बात है कि विराट माने बहुत बड़ा, अब वो धारणा बदल जाएगी, विराट माने बहुत बड़ा नहीं बल्कि विराट माने कारण, जो छोटे का भी कारण है जो बड़े का भी कारण है, जिसमें से सब प्रकट होता है उसी का नाम विराट, जो सबका मूल है उसी का नाम है विराट। अब ये जो विराट है इससे बड़ा कुछ है कि नहीं है कि विराट ही सबसे बड़ा है, तो जब इस बात का ध्यान हम लोग करेंगे विचार करेंगे तो पता चलेगा कि विराट सबसे बड़ा नहीं है, उससे भी बड़ा कुछ है। उससे बड़ा क्या है,
उससे बड़ा इतना बड़ा है जिसमें जाने कितने विराट समा जाते हैं। अरे वो कौन है? हम तो विराट को ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, ये विराट का विराट कौन है? का विराट भी ब्रह्म है। बृह धातु वृद्धि अर्थ में है संस्कृत भाषा में, उस शब्द से मनिन प्रत्यय, उस धातु से मनिन प्रत्यय करने पर ब्रह्मन शब्द बनता है ब्रह्म। आप लोगों ने ये शब्द भी सत्संग में बार बार सुन रखा है, ब्रह्म शब्द भी आपने सुना है, विराट शब्द भी आपने सुना है। तो ब्रह्म क्या है? का ब्रह्म वो है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, किसी का भी अस्तित्व ना हो। सब का जो तत्व है उसी का नाम है ब्रह्म, यथार्थ तत्व। बाकी चीजें तो ऊपर ऊपर की हैं, असली चीज जो है वो ब्रह्म ही है। ये जो ब्रह्म है ये सर्वगुणातीत है, विशुद्ध है, तुरीय है, और भी इसी तरह के अनेक विशेषण हैं जो हमसे आपसे बिल्कुल विपरीत हैं। हम आप जिस तरह से हैं उसके बिल्कुल विपरीत उसके लक्षण हैं, लेकिन उसका असली स्वरूप क्या है? का है तो वो तत्व, लेकिन उसका नामकरण करने की जब बारी आती है तो अलग अलग विद्वान अलग अलग उसका नामकरण कर देते हैं, इसीलिए भ्रम हो जाता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग तरह से विश्लेषण करते हैं, इसीलिए उसका नाम अलग अलग रख देते हैं अपने अपने अनुभव के आधार पर। और कई नामों को सुन करके हमारे मन में सब गोल गोल गड्ढ हो जाता है कि असल में क्या होगा पता नहीं। हमारे यहाँ छह दर्शन हैं, भारतीय छह दर्शन, आस्तिक दर्शन, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है जिसको वेदांत नाम से जाना जाता है। छहों दर्शनों के लोग उस तत्व तक अपनी बुद्धि को लेकर के जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार उसका अलग अलग नामकरण कर देते हैं। नैयायिक उस तत्व को निर्वर्णनीय कह करके, अवर्णनीय कह करके पुकारते हैं। ये अवर्णनीय है, कहना मुश्किल है, केवल अनुभूति का विषय बन जाता है। वहीं वैशेषिक लोग उसको नित्य कहते हैं। सांख्य के अंदर उसी तत्व को सनातन ज्योति कहा गया है, मीमांसा अथवा योग, योग उसको अनंत कहता है। मीमांसक सर्वरूप कहते हैं और वेदांती उसको सर्व कारण कहते हैं। इसीलिए हम लोग वेदांती होने के कारण हमने बताया कि वो सब कारणों का भी कारण है, सर्व कारण कारण। वेद उसको सत्य के रूप में कहते हैं, इसीलिए वेदों का सार जब आपका ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसके आरंभ में ही उन्होंने उस परम तत्व की वंदना किन शब्दों से की? सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य को ध्यान में लाते हैं, वेद उसको सत्य के नाम से पुकारते हैं, पुराण पुराण उसको स्वेच्छामय कहते हैं, कहते हैं वो जो इच्छा करेगा वही है वो, आप उसका कोई एक नाम नहीं रख सकते, उसके अनंत रूप हो सकते हैं, अनंत नाम हो सकते हैं, वे स्वेच्छामय है, जब चाहे जैसा विग्रह धारण कर सकता है। और इसीलिए कभी कहते हैं कच्छप, कभी कहते हैं मत्स्य, कभी कहते हैं शुकर, कभी कहते हैं वामन, कभी कहते हैं विराट। वो स्वेच्छामय है, जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। और सच तो यह है कि संसार में जितने रूप हैं सब उसी के हैं। एतन नाना अवतारा नाम, ये जो विराट है
ये सब अवतारों का बीज है, इसलिए उसके लिए किसी एक नाम एक रूप को कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो ब्रह्म है यही व्यापक है, और कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कह नहीं सकते। कहते हैं कि इसमें अनंत विराट समाये हुए ब्रह्म, वेद कहता है कि वो जो ब्रह्म है वो कभी इच्छा वाला हो जाता है। इच्छा वाला कब होता है? जब माया से आवृत हो जाता है, त्रिगुणात्मिका माया से संबलित हो करके वो इच्छा वाला होता है। और इच्छा उसकी क्या होती है? एको हम बहुश्याम प्रजाये। ये एक से अनेक होने की क्या बात है? यहां विचार करने की बात है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं। मैं एक हूं का मतलब मेरा स्वरूप एक है। तो जो स्वरूपतः एक है वो अनेक कैसे हो सकता है? जो वास्तव में तात्विक रूप से एक है वो अनेक हो ही नहीं सकता। तो क्या करेगा? का एक में ही अनेक की कल्पना करेगा। एक आपके पास कागज आ गया तो आप दो कागज नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे? उसी कागज के बहुत सारे रूप बना लेंगे फोटोस्टेट करके, या हाथ से लिख करके उसकी कॉपी बना लेंगे और कहेंगे हमारे पास कई है, चिंता मत करो, लो तुम भी एक लो, तुम भी एक लो, तुम भी एक लो। तो है तो एक, एक को अनेक नहीं बनाया जा सकता और अनेक को एक भी नहीं बनाया जा सकता। जो अनेक है उसको एक कैसे बनाएंगे? जो एक है उसको अनेक कैसे बनाएंगे? संभव ही नहीं है। तो क्या करना पड़ता है? एक में अनेक की कल्पना करनी पड़ती है। हम एक हैं, अब हमारे मन में आ जाए एको हम, ठीक है, ये अनुभव है कि हम एक हैं। अब ये अनुभव बदल सकता है? बदलेगा ही नहीं। लेकिन मेरी इच्छा हो गई अनेक हो जाऊं, तो अनेक कैसे होंगे? तो अनेक ऐसे ही हो सकते हैं कि अनेक दर्पण हम अपने सामने रख दें और उन अनेक दर्पणों के सामने खड़े हो जाएं तो हम तो एक ही रहेंगे, लेकिन दिखाई कितने देंगे? जितने दर्पण उतने हम हो जाएंगे। एक होते हुए भी हम अनेक हो गए। तो एक जो परमात्मा था वो अनेक कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ कि एक का अनेक हो गया, क्योंकि एक का अनेक होगा तो हो ही नहीं सकता, और अनेक हो जाए तो फिर एक कैसे होगा? इसलिए वो जो हुआ उसका होना कैसा है कि एक ही रहा, एक रहते रहते कई आईने सामने रख दिए जिनमें अनेक दिखाई देने लगा, तो उसका मन प्रसन्न हो गया कि मैं अनेक हो गया। माने कल्पित। तो ये जो कल्पना है ये कैसे होती है? वो आईना क्या है? का वो आईना यही माया है जो त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका माया एक के ही अनेक रूप दिखा देती है, यही उसकी विलक्षणता है। एक में अनेकत्व प्रदर्शित कर देना। आपकी आंख देख रही है एक व्यक्ति खड़ा है, अब उसी में थोड़ी सी उंगली नीचे धसा दीजिए और फिर देखिए वो जो सामने एक था ना वही अनेक हो जाएगा। अभी देख लो, देर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? प्रत्यक्ष यूं आंख में ऐसी उंगली थोड़ी सी हल्की सी दसाइए, इतना ना दसा दीजिए कि आंख को चोट पहुंच जाए, थोड़ी सी दसाइए और देखिए कि मंच पे दो अभी मुक्तेश्वरानंद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दो शास्त्री जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं,
दो तीन भी दिख सकते हैं, एक का अनेक हो जाएगा, लेकिन वो जो अनेक होगा वो क्या होगा? वो केवल आभास होगा, वास्तव में नहीं होगा। तो पहला सिद्धांत ये समझ लेने का है कि ये जो परमात्मा है इस संसार का मूल कारण, वो मूल कारण कैसे संसार के रूप में परिणत हो जाता है, एक का कैसे अनेक हो जाता है, एक का अनेक टुकड़े टुकड़े होकर के नहीं हो जाता, एक का अनेक माया के द्वारा हो जाता है। संभवामि आत्म मायया का ये कैसे होगा और क्यों हुआ, ऐसी इच्छा क्यों हुई उसके मन में? तो आप देखिए, इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक है नित्य और दूसरा है अनित्य। नित्य पदार्थ क्या है का जिसका कभी नाश नहीं होता, जैसा का तैसा जो सदा विद्यमान रहता है उसी का नाम है नित्य। और अनित्य क्या है का जो अभी तो हो और थोड़ी देर में ना रहे उसी का नाम अनित्य। और जब हमारे यहां कोई वेदांती बनने के लिए आता है कि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं गुरुजी, तो गुरुजी सबसे पहले क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनो, फिर हमारे पास आओ, तब हम तुमको महावाक्य का श्रवण कराएंगे, माने ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारिता क्या है? तो बताया कि पहले तो सबसे पहली अधिकारिता है यह मुक्तार्थ फलभोग विराट। पहले तो इस संसार के और उस संसार के माने स्वर्ग आदि के जो फल हैं उनको भोगने की इच्छा त्यागो। त्यागो माने विराग हो जाए। त्यागना अलग वस्तु है, त्यागना तो हम अपने जो प्रसन्न की चीज होती है उसको मन कड़ा करके त्यागते हैं। कई लोग तीर्थ में गए, अब भैया हम तीर्थ में आए हैं क्या करें, का अब जो पसंद का फल है वही छोड़ देते हैं। अब जो फल बहुत पसंद है जिसको देख करके मन ललचा जाता है उसी फल का त्याग कर दिया, मन को कड़ा कर दिया, अब इसको नहीं खाएंगे, तो वो तीर्थ में लिए गए संकल्प की याद आती है। इससे आत्मबल मजबूत होता है कि हम चाहें तो प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़ सकते हैं, जी हमारा मन इतना कड़ा है, इतना हमारे संकल्प में दृढ़ता है। अपने मन के संकल्प की दृढ़ता को जांचने के लिए इस तरह के नियम हमारे भाई बहन लेते रहते हैं, लेकिन ऐसे त्याग में मन को कड़ा करना पड़ता है। और जो वैराग्य है और जो त्याग है उसमें अंतर यही है, त्याग मन को कड़ा करके लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और वैराग्य, वैराग्य के लिए मन को कड़ा करने की जरूरत नहीं है। वैराग्य कैसे होगा कि जब आपको पता चल गया कि ये चीज हमको बर्बाद कर देगी, इसका सेवन हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपके मन में क्या आ जाएगा, उसके प्रति वैराग्य आ जाएगा कि ना 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 ये नहीं चाहिए। कोई लेके भी आएगा आप कहना ना ना सवाल ही नहीं, हम स्वीकार कर ही नहीं सकते, ये है वैराग्य। जब संसार के भोगों में अनित्यता का बोध आपको हो जाएगा कि ये भोग हमको सुखी वास्तव में नहीं कर सकते, एक क्षण के लिए सुखी करते हैं और जाने कितने क्षणों के लिए दुखी करके चले जाते हैं। आप जिन भोगों को भोगते हैं उन भोगों को भोगने के बाद सुख तो थोड़ी देर का है और दुख लंबे समय तक बना रहता है। तो इसलिए इन भोगों के द्वारा हमको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए छोड़ो इनको, इनको इनमें क्या पड़ना है। जब ये भाव मन में स्थिर हो जाए तो अपने आप वैराग्य उदित हो जाता है। तो इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग, यहां के और वहां के जो फल भोग हैं उनसे वैराग्य का हो जाना पहली शर्त है ज्ञान प्राप्ति के लिए, कि अब संसार के किसी भोग में हमारा मन नहीं जाता। लोग सामने भी ला करके रख देते हैं फिर भी हम उठा के बांट देते हैं, अच्छी से अच्छी मिठाई आई हमने उठा के बांट दिया, हमारा मन नहीं है उसमें, इससे क्या उपलब्धि होने वाली। तो इसका मतलब कि अब चवन्नी भर योग्यता अधिकारिता ज्ञान प्राप्त करने की आपके अंदर आ गई, जब संसार के फल भोग। लेकिन अभी संसार के फल तो हमने छोड़ दिए,
भोगने मन नहीं रहा, लेकिन अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, अभी अनुष्ठान कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, अमुक अमुक काम कर रहे हैं, 1600 मार कर रहे हैं, काहे के लिए? क्या भैया? ताकि स्वर्ग जाए, नरक ना जाए, स्वर्ग चले जाए। क्या स्वर्ग में जाके क्या करोगे? वहां भी तो फल ही भोगना है। जो पुण्य कार्य आपने किए, शुभ कार्य किए, उसके बदले में वहां अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, सब तरह के भोग हैं, तो वहां पर भी जाकर के तो भोग ही भोगना है। तो नहीं, हम संसार के भोगों को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन स्वर्ग के भोगों के बारे में अभी मन में हमारी इच्छा है। अगर ऐसी बात है तो अभी आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए, इसलिए थोड़ा और प्रयास करिए। वहां के भोगों के बारे में भी जानिए कि स्वर्ग के जो भोग हैं वो भी आपको सदा सदा के लिए सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर भी छोटे बड़े का व्यवहार है। इंद्र वहां का राजा है और बाकी लोग स्वाभाविक है, प्रजा है। तो वहां भी राजा प्रजा का व्यवहार है। राजा सिंहासन पे बैठेगा और हमको खड़े होना पड़ेगा, तो क्या सुख हो गया? जब हमसे बड़ा कोई हमको दिखाई देता है तो हमको सुख कहाँ होता है? हमको लगता है कि हम ऐसे होते तो अच्छा होता। और दूसरे, वहां पर पुण्य जब तक रहता है तभी तक भोग मिलते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, आपको वहां से स्वर्ग के अभिमानी देवता आकर के धक्का मार देंगे, जाओ निकलो। ठीक उसी तरह से जैसे किसी बड़े होटल में आप पैसा लेके जाइए तो दरवाजे पर खड़ा दरबान झुक करके आपको प्रणाम करेगा, आपका सामान लेकर के आपके कमरे में छोड़ेगा, आपको नमस्कार करेगा, इतना आदर दिखाएगा कि कह नहीं सकते आप। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि अब इनकी पेमेंट करने की शक्ति समाप्त हो गई, आप 3 दिन की बुकिंग रखेंगे, 4th-4th दिन हो जाएगा, वो आपके कमरे में आएगा, हाँ जी आप 3 दिन के लिए आए थे, क्या भाई थोड़ा एक्सटेंशन कर दो, क्या ठीक है पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट तो नहीं है अभी, वहीं से उसका व्यवहार बदल जाएगा, तुरंत कहेगा कि अब आप निकलिए। और अगर आप नहीं निकले तो जिस शिष्टाचार से वो आपका सामान लेकर के आपके कमरे में रख गया था ना, उतना ही उद्दत होकर के आपका सामान बाहर फेंकेगा, धक्का मार के आपको बाहर भी निकाल देगा। क्यों? वो आपका सम्मान नहीं कर रहा था, आपके जेब में आई हुई लक्ष्मी का सम्मान कर रहा था। जब तक वो मिल रही थी तब तक सारा सम्मान था, जब मिलना बंद हो गई तो सब सम्मान समाप्त। इसी तरह से स्वर्ग में जब तक आपके पास पुण्य रूपी पूंजी रहेगी तब तक वहां पर भी आपको वहां के भोग उपलब्ध होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हुई वैसे वहां से आपको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। तो बताइए सुख है स्वर्ग में कि दुख है? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में भी स्वल्प सुख है और अंत में तो दुख ही दुख है। और इतना स्वर्ग का भोग भोगने के बाद जब धक्का मारा जाता है तो कैसा लगता है? जमीन पे व्यक्ति खड़ा हो गिर जाए बच सकता है, लेकिन 4 माले के ऊपर चढ़ करके तब गिरे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये दुख और भी बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उससे भी आपको सुख नहीं मिल सकता। जब इस बात का बोध हो गया तो आप कहते हैं कि भैया ना तो इस संसार के भोगों में हमको रुचि है और ना स्वर्ग आदि के भोगों में रुचि है, हमें तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। तब जा करके 54 भर योग्यता अधिकारिता आपकी बन जाती है। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, यहाँ के और वहां माने स्वर्ग के फल भोगों में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ये पहली सीढ़ी। उसके बाद कहते हैं अब थोड़ा सा ये भी देखो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक, और उसके बाद समाधि षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। पहले संपत्ति लेके आओ तो वहां नोट को संपत्ति, सोना चांदी को संपत्ति गुरु के यहाँ नहीं माना जाता। गुरु के यहाँ सम है कि नहीं, दम है कि नहीं, दम माने बल नहीं, दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण तुम्हारे है कि नहीं। दुनिया को तो तुम रोक के रख सकते हो लेकिन अपनी इंद्रियों को रोक सकते हो?
अनावश्यक जगह पे जाने से, जहां भेजोगे वहीं जाएगी कि कहीं भी चली जाएगी। तो शम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा माने सुख दुख को सहने की क्षमता, जब जैसी परिस्थिति आए वैसे में सुखी से रहना, उपरति माने भोगों में तृप्ति, श्रद्धा माने गुरु वेदांत वाक्यों में श्रद्धा, और समाधान का मतलब शांति, मन में हलचल का समाप्त हो जाना। ये छह चीजें गुरु के यहाँ संपत्ति के रूप में मानी जाती हैं। जब चेले के पास ये छह आ जाती हैं तो गुरु समझता है कि अब हमारा चेला मालदार हो गया, अब इस पे ध्यान हमको देना चाहिए। मालदार पे सब लोग ध्यान देते हैं, अब खजांची जी आए, नाम ही खजांची है, मालदार कोई हो जो धनी है। और कलयुग में, कल हमने कली कथा कही थी, कलयुग में तो सारे गुण एक तरफ हो गए, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयम, जिसके पास पैसा है वही विद्वान है, वही ज्ञानवान है, वही महान है, पैसा ही सब कुछ हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिसके पास संपत्ति होती है उसी पर ध्यान लोगों का जाता है, गुरु महाराज का भी ध्यान अपने उन्हीं शिष्यों पर जाता है जिनके पास संपत्ति हो। लेकिन समझने की बात केवल इतनी है कि वो संपत्ति ये संसार की संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति अध्यात्म की संपत्ति होती है। जब चेले के पास अध्यात्म की संपत्ति इकट्ठा होने लगती है तब गुरु का ध्यान जाता है कि अब इस पे ध्यान देने की जरूरत है, अब इसको उपदेश करने की आवश्यकता है। धनी मानी को उपदेश दिया जाता है, दरिद्र को थोड़े। तो ये हो गया, और उसके बाद मुमुक्षा। जब ये तीनों हो जाते हैं तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं। तो आम लोग अभी धर्म अर्थ में ही जूझे हुए हैं, और कुछ हैं जो अर्थ काम में डूबे हुए हैं, मोक्ष की तरफ अभी इच्छा ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुमुक्षा भी जब जागृत हो जाए तब समझो कि अब उपदेश का समय आ गया, तब गुरु उसको उपदेश करते हैं। और मुमुक्षु को उपदेश बहुत जल्दी लग जाता है, तुरंत उसको लाभ होता है और जीवन मुक्त वो बन जाता है। उपदेश करते ही उसको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। इतनी तैयारी पहले किए रहेगा तब, और नहीं तो उपदेश करके फिर धीरे धीरे तैयारी शुरू करेगा तब तो फिर बहुत देर लग जाती है। खैर, तो हमारा कहने का यहाँ मतलब ये है कि वेदांत ज्ञान के लिए जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इतना इस संसार में देख देख करके तय करना जान गया होगा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो समाप्त हो जाएंगी, नाशवान है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाश कभी नहीं होता। तो जो नाशवान चीजें होंगी उनसे हमारा मन हट जाएगा कि इनको हम क्यों पकड़े, इनको स्वयं नष्ट हो जाना है, इनको हम पकड़ेंगे तो हम भी नष्ट इनके साथ हो जाएंगे। डूबने वाली नाव में कोई बैठना चाहता है? कोई भी बुद्धिमान डूबने वाली नाव में नहीं बैठना चाहेगा, तैरने वाली नाव में सब बैठना चाहेंगे। तो इसलिए आपको पता भर चल जाए कि संसार में नाशवान क्या है, आप उसको छोड़ देंगे, और पता चल जाए कि अनश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, सदा रहने वाला क्या है, तो आप उसका साथ अपने आप बिना किसी उपदेश के कर लेंगे। लेकिन आपकी दृष्टि में अभी ये विवेक जागा ही नहीं कि आप नित्यानित्य वस्तु का विवेक कर सकें। तो ये जो संसार है इसमें कुछ नित्य है कुछ अनित्य है। अब हमने बता दिया था पहले ही दिन जब मंगलाचरण हो रहा था कि संसार की सब चीजों में पांच चीजें साफ दिखाई देती हैं। एक तो उसका अस्तित्व, दूसरे उसका ज्ञान, तीसरे उसमें हमारी प्रियता, चौथे उसका नाम, और पांचवें उसका रूप। कोई भी वस्तु ले लो तो ये जो इसे नारियल हमने ले लिया, अब इसका एक रूप है, जटा आदि इसमें मंडित है, और इसका एक आकार है, रूप है जो हमको दिख रहा है गोल गोल, तो नाम रूप ये हो गया। और इसकी सत्ता माने ये है, और है तो हमको पता भी चल रहा है कि है, और इसको हम
चढ़ाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, इसको फोड़ के खाएंगे तो हमारे शरीर में अमुक अमुक तत्व आ जाएंगे, इसलिए हमको नारियल प्रिय है, इसलिए पैसा दे के हम खरीद रहे हैं। तो नारियल में क्या क्या चीजें आ गई? एक तो इसका इसकी सत्ता अस्तित्व आ गया, दूसरे इसमें ज्ञान आ गया, उस सत्ता का ज्ञान कि हाँ चीजें कोई चीज हो लेकिन हमें पता ना हो, तो है और हो करके हमें ज्ञात भी हो गया। चित, वो जो सत्ता है उसको कहते हैं सत, वो जो उसका ज्ञान है उसका कहते हैं चित, और जो उसमें हमारी प्रियता लगी हुई है, हमको जरूरी लगता है हमारे जीवन के लिए, हमको पसंद आता है, वही उसका हो गया आनंद। तो तीन चीज ये हो गई, सत चित और आनंद और नाम और रूप। तो अब ये जो नारियल है इसको जब हम फोड़ देंगे तो फोड़ करके इसको जला, माने खोपड़ी को अलग कर देंगे, इसके अंदर की गरी को निकाल लेंगे। अब क्या हो गया, अब जब किसी को दिखाएंगे तो वो क्या कहेगा, इसको नारियल नहीं कहेगा, इसको नरेटी कहेगा, फूटे हुए को, और उसको गरी कहेगा। माने नाम बदल गया और रूप रूप भी बदल गया, अभी गोल गोल है फिर वो कटोरा जैसा हो जाएगा या छिलके जैसा हो जाएगा, और गरी का भी रूप बदल जाएगा। तो नाम रूप बदल गया लेकिन उसका होना, उसकी ज्ञप्ति और उसके प्रति हमारी प्रियता बनी हुई। फिर उसकी हमारी माँ ले जा करके उसको किस देगी, किस करके चीनी में पका करके बर्फी बना देगी। अब बर्फी बनने के बाद क्या होगा, नाम रूप उसके बदल गए लेकिन उसके अंदर का जो सचित आनंद है वो जैसा का तैसा रहा। और इसी तरह से आप सोचते चले जाइए, बदलते ही चला जाएगा। तो नाम रूप इस संसार में हर चीज का बदलता चला जाता है। ये नाम अभी है कल नहीं रहेगा, ये रूप अभी है कल नहीं रहेगा, लेकिन सचित आनंद हर वस्तु में समाया हुआ है और वो सदा सदा, चाहे कोई नाम हो जाए कोई रूप हो जाए, उसमें विद्यमान रहेगा। इसका मतलब है कि संसार में दिखने वाली जितनी चीजें हैं उनमें सत्ता चित्ता और आनंद सदा विद्यमान रहते हैं, ये नित्य हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, और नाम और रूप ये अनित्य हैं, आ जाए कल गए, आ जाए कल गए, आ जाए कल गए, चलता ही रहता है। तो अगर हम नाम और रूप को पकड़ेंगे तो हम नाम रूप के साथ ही विलीन हो जाएंगे, और अगर हम सचित आनंद को पकड़ेंगे तो फिर कभी भी विलीन नहीं होंगे, सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाएंगे। इसीलिए संसार में नाम रूपात्मक जो संसार है लोग उसमें उलझे हुए हैं, और जो विद्वान है वो इसी संसार में नाम रूप को छोड़ देता है, सचित आनंद को देखता है, सच्चिदानंद परमात्मा को देखता है। वो परमात्मा हर चीज में कण कण में सच्चिदानंद के रूप में व्याप्त है, इसीलिए वो उसके साथ होकर के सदा सदा के लिए नित्य हो जाता है। तो ये नित्यानित्य वस्तु का विवेक है। अब इस संसार में हमने बताया कि दो चीज है, एक है नित्य एक है अनित्य। ये नित्यानित्य जो है कैसे आया, का वहीं से आया, जब वो परब्रह्म परब्रह्म के मन में जैसे ही ये भाव आया कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो वैसे ही क्या हो गया, जो एक हूं वहां अस्तित्व है, मैं हूं, तो हूं ये नित्य हो गया, और जो हो जाऊं वो अनित्य है। क्यों अनित्य है, क्यों अभी मन हुआ है हो जाऊं और कल को मन बदल जाए, जिसका मन होता है उसका नहीं भी हो सकता है। तो जब उसका मन होगा हो जाऊं तो हो जाएगा, लेकिन जब होगा कि नहीं हूं तो नहीं भी हो जाएगा। अब नहीं होना चाहता अनेक, तब क्या होगा, तब अनेकता समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए वो जो हो जाने की भावना है वो अनित्य, और इसीलिए ये बताया कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये सिद्धांत है कि जो चीज जन्मेगी वो मरेगी। तो ये हमारी इच्छा हुई कि मैं हो जाऊं, तो जन्मी ना, एक इच्छा ने जन्म लिया, तो इसका मतलब है कि ये इच्छा मरेगी भी। कभी हमारे मन में ये भी आ जाएगा कि अब नहीं होना, मुझे हो गया, जितना खेल खेलना था खेल लिया, तो ये जो संसार है ये क्या होगा, तब समाप्त हो जाएगा।
जो उत्पन्न हो रहा है। तो ये उत्पन्न होना इसका और उत्पन्न होने से ही निश्चित हो जाना कि इसका विनाश भी होगा, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है सो जाएगा, नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो नित्य वस्तु है उसी का नाम है ब्रह्म, और ये जो अनित्य वस्तु है उसी का नाम है विराट। ये जान लीजिए, ये संसार विराट विराट है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि विराट शब्द शोभायमान होता है। ये जितना है केवल इतना ही नहीं है, मंच जितना, इसके अगल बगल गांव गांव लगे हुए हैं। श्याम नगर है, मवई है, अमुक है, अमुक है, इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है। और जिले जिले हैं, जबलपुर है, सिवनी है, नरसिंहपुर है, इतना ही है? नहीं नहीं, प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर अमुक प्रदेश है, अमुक प्रदेश है, इतना ही है कि नहीं? देश पूरा है, इतना ही है कि और देश है? कितना बड़ा? अच्छा, इतना ही है का इतना नहीं है? ये तो केवल एक तल्ला है, इस तल्ले के नीचे सात तल्ले हैं और ऊपर इसको छोड़ करके छह तल्ले और हैं। ये 14 तल्ले का मकान है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, एक तल्ला नहीं है। ये बहुमंजिला इमारत आज से नहीं बन रही है, ये बहुमंजिला इमारत सृष्टि के आरंभ से ही तैयार हो चुकी है। 14 मंजिल का मकान भगवान का आदि मकान है, सबसे पहले इसी को बना दिया। कैसे बना दिया? का ऐसे बना दिया कि उन्होंने इच्छा की, एको हम बहु श्याम, और फिर प्रजाए उत्पन्न हो गए। अब उत्पन्न कैसे हो गए? उन्होंने सर्जना कर ली। सर्जना के लिए उनके पास क्या औजार है? का माया है। माया से कल्पना कर ली, ये संसार कल्पित है। वास्तव में इसकी सत्ता जब इसको जांचते हैं, जैसे किसी चीज को लेबोरेटरी में ले जाके परखें तब उसके अस्तित्व का पता चलता है कि इसमें कितना तत्व है, ऐसे ही जब इसको जांचते हैं विद्वान लोग तो संसार दिखाई नहीं देता, इसे बिना विचारे दिखता है, अविचारित रमणी। इसलिए इसको अविचारित रमणीय कहा जाता है, विचार करने पर पता नहीं चलता। इसीलिए उपनिषद उद्घोष करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मी बना पर, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। मिथ्या माने विचार करने पर ठहरता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो जगत है ये नाशवान है, क्योंकि षट भाव विकार हमारे यहां बताए गए हैं। अस्थि जायते, जो अस्थि है उतना तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। तो जो जायते वो नश्यति तक जाता है। जायमान जो वस्तु है, उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है, उसका परिणाम नाश में ही होना है, पर्यवसान नाश में होना है। तो जायमान होने के कारण ये नाश में चला जाता है और अस्थि जहां का तहां रह जाता है। जब उत्पन्न होता है तो कहां से होता है? का उसी अस्थि से होता है, और जब नष्ट होता है तो कहां जाता है? का उसी अस्थि में चला जाता है। इसलिए अस्थि जो है वो नित्य है, और बाकी जो जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति ये हैं, ये अनित्य है। तो ये जो परमात्मा है ये नित्य है, और नित्य होने के नाते ये महाविराट कहलाता है। इसी महाविराट से फिर क्षुद्र विराट जन्मता है। ये जो विराट जिसको हम कह रहे हैं ये असल में उसके सामने क्षुद्र विराट है, छोटा सा। और वो जो क्षुद्र विराट है उसी के नाभि से कमल निकलता है। वही क्षुद्र विराट शेषनाग की सैया पर सोया हुआ है, वही जगत का कारण है, और परब्रह्म का परब्रह्म तो उसका भी कारण है, कारणों का भी कारण है। तो सब का कारण जो है उसी का नाम है विराट।
उसी का नाम जनार्दन भी है और वही शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में विद्यमान है और उसी को उसी की नाभि से ब्रह्मा जी कमल खिलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं और उन ब्रह्मा जी को जिनको हम लोग सारी सृष्टि का रचयिता समझते हैं, उन ब्रह्मा जी को जब ये जिज्ञासा होती है कि ये जो कमल है ये कहाँ से निकला है जरा देख लूं, तो कमल के फूल के ऊपर से वो कमल की नाल में घुस जाते हैं कि हम जरा देखें कि ये कमल आया कहाँ से है, इसका मूल जान लो। तो मूल जानने के लिए कमल की नाल में घुस करके जो छेद होते हैं पतले उनमें से जा रहे हैं और 1,00,000 दिव्य वर्ष तक घूमते रहते हैं लेकिन उसका छोर उनको नहीं मिलता। क्षुद्र विराट की यह हालत है। क्षुद्र विराट इतना विराट है कि उसके नाभि का जो कमल है उस कमल की नाल से उसकी नाभि तक पहुंचने में लाखों वर्ष अटन करते हैं, निरंतर चलते चले जाते हैं। 1,00,000 युग तक चले जाने के बाद, खोज करने के बाद भी ब्रह्मा जी को जब पता नहीं चलता है तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तब आंख बंद करके ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पुरुषार्थ से आपको जान पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आप कृपा मेरे ऊपर करके मुझे जना दीजिए कि आप कौन हैं और मेरे से आप क्या उम्मीद रखते हैं। पुरुषार्थ विगलित हो गया, कृपा की आकांक्षा उनके मन में आ गई और इसीलिए आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं कहते हैं कि निरीह हूं, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं, अपने महिमा से उनको परिचित कराते हैं और फिर उनको शक्तिशाली बना करके सृष्टि की रचना का उनको आदेश देते हैं। अब सृष्टि की रचना हो, ये जो ब्रह्मा है इनका नाम हिरण्यगर्भ है। तो इतना विराट, ये जिसको क्षुद्र विराट हम लोग कह रहे हैं वो इतना विराट है कि हमारे सृष्टा ब्रह्मा को, और ये जो महाविराट है परब्रह्म, उस परब्रह्म के हर रोए में करोड़ों करोड़ ऐसे ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहते हैं, एक ब्रह्मा जिसमें है उस पूरी रचना का नाम एक ब्रह्मांड है, माने जिसमें 7 नीचे के लोग 7 ऊपर के लोग। नीचे के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, और ऊपर के लोग हैं ये भूलोक है, ऊपर वालों में से 7 में से पहला भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और उसके ऊपर सत्यलोक। तो 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग, भूमि जितनी विस्तृत है वैसे ही ऊपर वाले भी हैं, वैसे ही नीचे वाले भी हैं, और इनके बीच बीच में अवान्तर जाने कितने और लोग हैं। तो ये सब मिल करके एक बने हुए हैं, एक मकान है ये, और इस एक मकान का एक ब्रह्मा है बनाने वाला, एक विष्णु है पालन करने वाला और एक रुद्र है संहार करने वाला, और ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोए में जिसके लगे हुए हैं वो महाविराट। अब आप कल्पना करिए, नाप सकते हैं? कल्पना ही नहीं हो सकती है, ऐसे विराट की कथा आप सुनना चाहते हैं, जाएगी बुद्धि? अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। ये वही बात है कि समुद्र का स्नान करने का किसी ने बता दिया कि जाओ समुद्र नहा लो, क्योंकि समुद्र में हर तीर्थ होता है, जितने तीर्थ हैं, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे नर्मदा हो, ये सब तीर्थ हैं। इन सब तीर्थों में नहाने का बड़ा बड़ा फल है। अब किसी के मन में आ जाए कि भाई हम सब तीर्थों का स्नान एक साथ कैसे करें, नर्मदा जाएगा तो गंगा छूट जाएगी, गंगा जाएगा तो यमुना छूट जाएगी, एक में जाते हैं तो दूसरा छूट जाता है, मैं एक ही समय में सब तीर्थों में नहाना चाहता हूं, क्या करूं? अगर ऐसा भाव किसी के मन में जागे तो क्या करेगा, और उसको कोई विद्वान क्या बताएगा? का विद्वान ये बताते हैं कि अगर आप सब तीर्थों में एक ही साथ नहाना चाहते हैं
तो आप समुद्र में स्नान कर लीजिए। समुद्र में सारे तीर्थ जाके मिले हुए हैं, इसलिए समुद्र का जल हर तीर्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए समुद्र में स्नान किया तो सब तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए समुद्र सबसे बड़ा तीर्थ। अब समुद्र में नहाने के लिए आपको कह दिया जाए, आप समुद्र जाएंगे तो समुद्र में नहा पाएंगे? जितना बड़ा समुद्र है सब पूरे समुद्र में नहाना पड़ेगा? पूरे समुद्र में नहाना संभव है? पूरा समुद्र देख पाना कठिन है, नहाना तो दूर की बात। तो आप क्या करेंगे, समुद्र के किसी एक देश को देखेंगे, उस एक जितनी दूर देख रहे हैं उसमें से भी एक छोटी सी जगह 5x5 10x10 उतने में घुसेंगे और अपना हाथ जितनी दूर तक जा रहा है ऐसे ऐसे करके उसी में डुबकी लगा लेंगे और लौट करके आएंगे, क्या कहेंगे कि मैंने समुद्र स्नान कर लिया। अरे समुद्र तुमने देखा तक नहीं, नहा कैसे सकते हो, पूरे समुद्र में तुम कैसे चले गए? तो बात यह है कि चला तो नहीं गया लेकिन एक देश में भी गया तो माना जाएगा। जैसे अगर कोई कहे कि लालवानी जी को हमको पकड़ना है, तो लालवानी जी का शरीर बहुत बड़ा है, अब इतने बड़े शरीर को कैसे पकड़ेगा? कहा कि अगर उनका एक हाथ भी पकड़ लिया तो पूरे पकड़ में आ जाएंगे, अगर तगड़े से उनका एक हाथ पकड़ लिया तो पूरे लालवानी पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं? उसी तरह से समुद्र के एक कोने में भी नहा लिया तो पूरे समुद्र के स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जब हम विराट कथा कहने के लिए चलेंगे, जब आप विराट कथा सुनने के लिए चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक महाविराट है और उस महाविराट के रोम रोम में करोड़ों करोड़ क्षुद्र विराट हैं। तो अब हम कितने की कथा सुने, कौन से रोए के, कौन से करोड़ वाले में से कौन से की सुने? हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक स्वर्ग नरक है, एक एक भूलोक है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी की भी एक की भी सुन लेंगे तो हमारी विराट कथा संपन्न हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे विशाल समुद्र में किसी एक कोने में भी गोता लगा लेने वाले को समुद्र स्नान का फल मिल जाता है। और यही काम आज आपसे पहले कई लोग कर चुके। ये जो विराट हैं इन्हीं का एक दूसरा नाम है विश्वरूप, क्योंकि सारा विश्व इन्हीं से उत्पन्न होता है, इन्हीं में विलीन होता है, इसीलिए इनका नाम है विश्वरूप। तो सबसे पहले विराट पुरुष का, इन्हीं का नाम है आदि पुरुष, क्योंकि सबसे पहले संसार में, जिस संसार में हम आप रह रहे हैं ब्रह्मांड में, उसमें सबसे पहला जीवन अगर किसी के अंदर समाहित हुआ, जीव रूप से प्रवेश परमात्मा का हुआ, तो वो इसी विराट में। कैसे हुआ हम अभी बताएंगे। इसीलिए इनको आदि पुरुष कहा जाता है, आदि अवतार यही है। सबसे पहला भगवान का अवतार अगर संसार में कोई, हमारे ब्रह्मांड में कोई हुआ, तो सबसे पहला अवतार विराट अवतार, और फिर उन्हीं अवतार से जाने कितने अवतार। एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम व्ययम, नाना अवतारों का निधान खजाना, नाना अवतारों का बीज अव्यय, जो खर्च ही नहीं होता है, होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। देव तिर्यंग नरादय, इन्हीं से देवता उत्पन्न हुए, इन्हीं से नर उत्पन्न हुए मनुष्य, और इन्हीं से पशु पक्षी आदि सब उत्पन्न हो गए। तो सब के अवतार का मूल कारण यही है। तो सबसे पहले इन विराट पुरुष के दर्शन की इच्छा किसकी हो गई? कहते हैं भृगु मुनि थे, भृगु मुनि की कन्या थी लक्ष्मी, उनको हो गई। वो भगवान की कथा सुनती रहती थी अपने पिता जी के आश्रम में रहने के कारण, तो भगवान की कथा सुनते सुनते उनके भगवान की महत्ता का बोध हो गया और उन्होंने कहा कि हमको तो भगवान के उस रूप का दर्शन करना है, सर्व कारण कारण विराट स्वरूप का दर्शन करना है, विश्वरूप दर्शन, हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, एक देश नहीं, हमको सारा देखना है। तो कहते हैं
कि लक्ष्मी जी ने तपस्या की तो लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने अपना विश्वरूप विराट स्वरूप दिखा दिया। तो सबसे पहले भगवान के इस रूप का दर्शन अगर किसी ने किया तो भगवती लक्ष्मी ने किया, और इसीलिए दर्शन करके उन्हीं की शरण में चली गई। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि हमारे घरों में चित्र बना करके टांग दिया गया है जिसमें क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में भगवान विराट शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, योग निद्रा में हैं, और उनके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं। ये वही लक्ष्मी हैं जिन्होंने भृगु के यहाँ अवतार धारण करके विराट पुरुष के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी। ये वैकुंठ लोक वाले विष्णु की नहीं है, अलग अलग। ये जो विराट महाविराट है, महाविराट के अलग अलग अंगों से अनेक विष्णुओं की का आविर्भाव हुआ है। चतुर्भुज विष्णु, द्विभुज विष्णु, वैकुंठ वाले विष्णु, श्वेतद्वीप वाले विष्णु, ये सब अलग अलग विष्णु हैं जो इन्हीं महाविराट से आविर्भूत हुए हैं। उन्हीं में से ये क्षुद्र विराट शेषशायी भगवान विष्णु भी हैं, और लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी बनकर के उनकी सेवा कर रही हैं। तो सबसे पहला दर्शन उनको। और आप लोगों को पता है कि नारद जी की कथा अपने लोगों ने सुनी, नारद जी को भगवान के रूप के दर्शन की अभिलाषा जागी, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वो आविर्भूत हुए, लेकिन निवृत्ति मार्ग में जाने की इच्छा थी, भगवान पिता ब्रह्मा उनको प्रवृत्ति मार्ग में लगाना चाहते थे, दोनों में तकरार हो गई, एक दूसरे के शापा शापी हो गया। ब्रह्मा जी के शाप से नारद जी को गृहस्थ बनना पड़ा, गंधर्व बन करके उन्होंने 50 पत्नियों के साथ विवाह किया, रमण किया, और उसके बाद फिर शूद्र योनि में गए। शूद्र योनि में जाने पर चातुर्मास में आए हुए सन्यासियों का साथ उनको जब मिला तो उनको भगवान की कथाओं का स्मरण कराया गया, और फिर वो गृह त्याग करके माता के निधन के बाद जब जंगल में गए और वहां बैठ करके जब ध्यान कर रहे थे तो उस समय भगवान का विराट स्वरूप उनके ध्यान में आया, लेकिन एक झलक भर दिखी, और जैसे ही झलक दिखी वैसे ही तिरोहित हो गई, विवल हो गए, प्रभो ये दिव्य दर्शन फिर से मुझे होना चाहिए। आकाशवाणी हुई, इस शरीर से इतना ही हो सकता है, अगर तुमको हमारे विराट स्वरूप का दर्शन करना है तो ये शरीर छूटने के बाद हमारे पार्षद जब तुम बनोगे तब हमारे विराट स्वरूप का तुम दर्शन कर पाओगे। और भगवान के पार्षद बन करके नारद जी ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया। तीसरा दर्शन विश्वरूप का, विराट स्वरूप का, बलि को हुआ। आप लोग जानते हैं बलि का प्रताप बढ़ रहा था, देवताओं को समस्या होने लगी, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने जब वो दान का संकल्प करके बलि बैठे थे उसी समय वामन रूप धारण करके उनके सामने जा करके उनसे 3 पग पृथ्वी की याचना कर दी। बलि ने संकल्प कर दिया कि ठीक है हम 3 पग पृथ्वी आपको दिए देते हैं, और परिणाम क्या हुआ कि वामन जो आए थे वो जब नापने का समय आया तो विराट बन गए, इसीलिए उनका नाम है त्रिविक्रम। 3 पैर में ही सारे लोग, तीनों लोगों को नाप लिया उन्होंने। तो ये जो त्रिविक्रम है भगवान, ये विराट हो गए। उस विराट स्वरूप का दर्शन उस समय बलि ने किया, तो वो भाग्यशाली रहा। और आप लोगों को अभी सुनाई भी देगा और आप कई बार सुन भी चुके हैं कि माता यशोदा को भी भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया था। कब कराया था? जब चुगली हो गई थी साथियों के द्वारा कि लाला ने मिट्टी खा ली, भगवान को सामने बुलाया गया, क्यों रे चटोरे? कहा ना हम बक्षितवान,
नामा, मिट्टी भी कोई खाने की चीज है, नहीं खाई मैंने। लेकिन मां को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि कई गवाह थे। मां ने कहा कि अगर नहीं खाई तो प्रमाण का प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण मां, समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह सामने ही है तुम्हारे, देख लो मैं मुंह खोल देता हूं। और भगवान ने कहते हैं कि भगवान ने मुंह खोल दिया, और विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान ने मुंह खोला नहीं, खुल गया। कैसे खुल गया? कहा कि भगवान का मुख कमल है, और यशोदा जी गुस्से में आ गई थी। अब गुस्से में होने के कारण उनके चेहरे में गर्मी उत्पन्न हो गई थी। कितनी गर्मी? का जितनी सूरज में होती। और सूरज जैसी गर्मी माता यशोदा के चेहरे में जैसे ही आई, तो सूरज को देख के कमल बंद रह सकता है? रह ही नहीं सकता। जैसे सूर्योदय होता है कमल को खिल ही जाना पड़ता है, वैसे ही यशोदा के मुख की कोप रश्मि ने श्री कृष्ण के मुख कमल को अपने आप खोल दिया। भगवान ने खोला नहीं, खुल गया। खैर जैसे भी हुआ, खोला चाहे खुला, अपने लोग जब मौका आएगा तब ज्यादा इस पे विचार करेंगे। अभी तो बात यह है कि अंदर देखा क्या, मिट्टी दिखी कि पत्थर? मिट्टी पत्थर कुछ नहीं दिखा, वहां तो कुछ और ही दिख रहा था, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति हो गई माता यशोदा की कि उनको लगने लगा कि मेरी बुद्धि ही तो विक्षिप्त नहीं हो गई, ये मुझे क्या दिख रहा है? जाने कितने ब्रह्मांड उसमें दिखाई दिए, जाने कितने ब्रह्मा, जाने कितने विष्णु, जाने क्या क्या दिखते हैं। तो ये जो भगवान का विराट स्वरूप है, विश्वरूप, इसका दर्शन माता यशोदा को भी उन्होंने करा दिया था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि दुर्योधन को भी भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया। जब दूत बनकर के भगवान गए कि भाई हम दूत बनकर के आए हैं, अंतिम प्रस्ताव लेकर के आए हैं, पांडवों का कहना है कि 5 गांव दे दो, चलो हस्तिनापुर छोड़ो, तुम राजा बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल 5 गांव हमको दे दो, हम उतने में संतुष्ट हैं, अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। बोलो क्या कहना है दुर्योधन? दुर्योधन बोल पड़ा, सूचि अग्रम दई मदास्यामी बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, तुमने केशी को मार दिया तो हमको भी मार दोगे क्या? समझ रहे हो हम इतने कमजोर नहीं है? सुई की नोक के आगे जितनी जमीन छिंकती है उतनी जमीन भी अब बिना युद्ध के मैं देने वाला नहीं हूं। अगर पांडवों में पराक्रम है, बल है, तो आए हमारे सामने खड़े हों, हमसे युद्ध करें, छीन लें सब कुछ हमारा, लेकिन बिना युद्ध के अब हम उनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन देंगे नहीं। भगवान ने कहा यह तो अन्याय है। कहा अच्छा, हमारे ही दरबार में आकर के यहां न्याय करने के लिए हम बैठे हैं, न्याय करें चाहे अन्याय, हमारे ही दरबार में आकर के हमको अन्याय करने वाला कैसे कह सकते हो? रोष में आ गया दुर्योधन, और रोष में आकर के उसने आदेश दे दिया सैनिकों को कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो सैनिक आगे बढ़े कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए कि बंदी बना लिया जाए, और उसी समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बंदी क्या बनाते सैनिक, दुर्योधन की हवा खराब हो गई, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद भी दुर्योधन की बुद्धि कहां सुधरी। लेकिन भगवान ने उसको भी दर्शन कराया, और बाद में आप लोग जानते हैं उसी विश्वरूप का दर्शन, विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कराया। जब गीता का उपदेश कर रहे थे, समझा रहे थे, नहीं समझ रहा था, तब अपना पराक्रम दिखाने के लिए, अपना सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए, अपने महात्म का निरूपण करने के लिए भगवान ने विश्वरूप दर्शन अर्जुन को कराया। ये जो भगवान का दर्शन है, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में
विस्तार से बताया गया। क्या देखा? सामान्य दृष्टि से देख भी नहीं सकता था, इसीलिए उसको पहले दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामि चे चक्षुः, तुम इन्हीं आंखों से मुझे नहीं देख सकते, मुझे मेरे सच्चे स्वरूप को देखने के लिए तुमको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। और दिव्य दृष्टि जैसे उसको दी, वैसे ही अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया। ये भगवान का विराट स्वरूप है। अब हम लोग भी थोड़ा देखने का प्रयास करें कि क्या स्वरूप है भगवान का। स्वरूप ये है कि जो महाविराट परब्रह्म परमात्मा, वो हमने बताया कि वही यथार्थ तत्व है, लेकिन उनके मन में इच्छा जागृत हो गई कि एक हूं, बहुत हो जाऊं। तो बहुत होने के लिए क्या तरीका था? एक धान है, उसको बहुत बनना है तो क्या तरीका है? उसको पहले मिट्टी में गड़ना होगा और गड़ करके फिर उसमें से अंकुरित होकर के निकलना होगा, और फिर थोड़े दिन का समय निकलेगा तो उसमें कई धान हो जाएंगे। एक के कई हो गए कि नहीं? एको हम बहु श्याम। लेकिन इसमें पेच ये है कि अगर कोई चावल चाहे कि हम एक हैं बहुत हो जाएं, तो हो सकता है? चावल नहीं हो सकता, कितना मिट्टी में गड़ जाए। चावल को क्या करना पड़ेगा कि भूसी के साथ हो करके भूसी के अंदर छिप जाए और ऊपर भूसी भूसी कर दे और उसके साथ मिट्टी में गड़ जाए। खाद पानी मिलते ही क्या होगा? अंकुर निकल आएगा, है ना? तो ऐसे ही ये जो परब्रह्म है, ये चावल है, ये चाहे कि हम एक हैं अनेक हो जाए, नहीं हो सकते, तो फिर इनको भूसी का सहारा लेना पड़ेगा। भूसी से आवेष्टिक हो करके अब ये भूसी क्या है? यही माया है। चावल का ही उपयोग है, भूसी का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन उपयोग नहीं है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसी से अंकुरण होता है, नहीं तो अंकुरण ही नहीं होगा। देखिए, भूसी का अपने लिए कोई उपयोग नहीं, लेकिन भूसी ना हो तो धान की खेती ही बंद हो जाए, इसलिए भूसी का भी अपना उपयोग है। ये भूसी ही है जो आज तक एक बोरी से 100 बोरी, 100 बोरी से 1000 बोरी, 1000 बोरी से 1,00,000 बोरी चावल हम लोगों के घरों में पहुंचा रही है। अगर ये भूसी ना होती तो क्या होता? यद्यपि भूसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मतलब इसमें है। तो ये जो माया है, ये भूसी की तरह से है, ना हो करके भी है और ना हो करके भी नहीं है। यही जो है एक को अनेक बना रही है, इसलिए एक को अनेक बनाने के लिए माया का साथ ले लिया। और माया का साथ लेकर के आधे अंग को तो बना दिया पुरुष और आधे में प्रकृति की कल्पना कर दी। अब प्रकृति पुरुष दो हो करके रचना रच रहे हैं। क्या रचना रच रहे हैं? कि काल, कर्म और स्वभाव, ये तीन चीजें, इन तीनों को अब धारण कर लिया, स्मरण कर लिया। ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये हैं उसी परमात्मा में, लेकिन अभी तक उसका स्मरण नहीं कर रहे थे। जैसे कई गुण हमारे अंदर होते हैं, कई बात हम जानते रहते हैं लेकिन वो छिपी पड़ी रहती हैं, किसी समय किसी कारण से वो बात हमको मन में आ जाती है, हमारे अंदर की वो कला अब निकल करके आ जाती है, लेकिन बाकी समय हमको उसको याद भी नहीं रखते, भूले रहते हैं। ऐसे ही काल, कर्म और स्वभाव, ये तीन तो परमात्मा के गुण थे, ये तीनों जागृत हो गए, और माया तीन गुण वाली थी वो भी जुड़ गई, तो काल, कर्म, स्वभाव और गुणों का घेरा। फिर ही सदा माया कर प्रेरा, काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। राम गीता, रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने जब प्रजावासियों को उपदेश देने के लिए आयोजन किया तो उसमें सारे पुरवासी आए। उस समय भगवान ने मनुष्य शरीर की महत्ता बताते हुए
उनको इसका बोध कराया कि काल कर्म स्वभाव और गुण ये हैं जिनके कारण ये सब हो रहा है, ये संसार निर्मित हो गया। तो काल कर्म और स्वभाव इनको भगवान ने स्वीकार कर लिया, जो गुणातीत थे अब वो गुण वाले हो गए, माया ने तीन गुण उत्पन्न कर दिए। अब क्या हुआ, अब काल जो है वो काम करने लगा। काम करने का मतलब क्या है, काल का पसा कैसे चलता है आपका, एक चित्र यहां पर रखें वो स्टिल है, रुका हुआ चित्र है, तो जैसा का तैसा ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि समय बीत रहा है कि नहीं। लेकिन अगर उसी में हलचल दिखने लगे, जो आदमी चित्र में है उसका हाथ ऐसे ऊपर जाए, फिर ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे हो ऐसे हो, तो आप कहेंगे कि ये इतना मिनट हो गया, इतने सेकंड का ये वीडियो है। क्यों होगा, अगर वो जैसे का तैसे ही रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, लेकिन उसमें हलचल हो तो हलचल से ही काल का पता चलता है। एक आदमी, एक व्यक्ति पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर मर जाता है, तो हमको पता चलता है कि इतने दिन तक ये रहे, काल का पता चलता है, नहीं तो काल का पता ही ना चले, काल माने समय। तो ये जो काल है ये इसका काम क्या है, कि जब त्रिगुणात्मिका माया आ जाती है तो ये माया के तीनों गुणों में हलचल उत्पन्न कर देता है। जो गुणों की साम्यावस्था है उसी का नाम है प्रकृति। तीनों गुण अपनी अपनी जगह पर हैं, ये प्रकृति है। और इसमें विकृति कब आएगी, जब हिला दिया जाए। हिलाने से क्या होगा कि तीनों गुण आपस में मिलने लग जाएंगे, रजोगुण तमोगुण में जाएगा, तमोगुण रजो, हिल करके क्या होगा, एक दूसरे बर्तन में घुस जाएंगे। अब क्या होगा कि कई शेड बनने लग जाएंगे। तो ये काल का काम है कि वो त्रिगुणात्मिका माया में विक्षोभ उत्पन्न कर दे, हलचल पैदा कर दे। और स्वभाव का काम क्या है, स्वभाव जो रूपांतरण कर देगा। अब जैसे ही तमोगुण सतोगुण में मिलेगा तो एक नए रंग की उत्पत्ति हो जाएगी, काला और सफेद मिलेंगे तो दूसरा रंग उत्पन्न हो जाएगा, लाल और सफेद मिलेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, इस तरह से नए नए रंग उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो ये काल का काम हो गया विक्षोभ, स्वभाव का काम हो गया रूपांतरण, और कर्म, कर्म का काम है कि वो उत्पत्ति करे। अब ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई कि हलचल भी हो रही है, रूपांतरण भी हो रहा है, तो जब ये चीज हो रही है तो नए नए स्वरूप बना लो, गढ़ने लग जाओ। तो गढ़ने लगता है कर्म, क्या गढ़ता है, का जब रज सत्व बढ़ जाता है तो ये जो ब्रह्म है इसमें विकार उत्पन्न हो करके महत्तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। और जो महत्तत्व है ये तीन प्रकार का हो जाता है, क्योंकि तीन गुण हैं, इसीलिए एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है क्रिया, और तीसरा होता है अहंकार। ये तीन तरह के विकार हो जाते हैं। इनमें से जो अहंकार है जब उसमें विकार आता है, उसमें भी विक्षोभ हो जाता है, काल कर्म स्वभाव उसमें भी आता है, तो आ करके उसमें जब विक्षोभ उत्पन्न करता है तो उसके भी तीन रूप हो जाते हैं, एक वैकारिक, एक तेजस और तीसरा तामस। जो वैकारिक है वो ज्ञान शक्ति है, जो तेजस है वो क्रिया शक्ति है, और जो तामस है वो द्रव्य शक्ति है। तो हम किसी चीज को कैसे आगे बढ़ाते हैं, पहले जानते हैं, फिर इच्छा करते हैं, फिर कर्म करते हैं। जानाति इच्छति यत करोति। अब ज्ञान भी है, क्रिया भी है, और वस्तु भी है जिससे हमको बनाना है। द्रव्य शक्ति उत्पन्न हो गई, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति उत्पन्न हो गई। ज्ञान शक्ति क्या है, का मन उत्पन्न हो गया और इंद्रियां उत्पन्न हो गई, उनके अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हो गए। क्यों उत्पन्न हो गए, क्योंकि जो विषय है वो दो है, एक अंदर है और एक बाहर है। अब जो बाहर है उसको अंदर लाना है और जो अंदर है उसको बाहर ले जाना है, तो अंदर की चीज को बाहर करने के लिए और बाहर चीज को अंदर लाने के लिए किसी बीच के व्यक्ति की जरूरत है। ग्राहक से कंपनी को जोड़ने के लिए ट्रेडिंग वाले की जरूरत है,
बीच में, वो ट्रेडिंग करेगा, वहां से माल ला करके जनता के लिए परोस देगा, इसलिए ट्रेडर्स की जरूरत है। तो वो काम कौन करेगा? वो काम करने के लिए अंदर क्या है? मन है। और बाहर क्या है? विषय है, शब्द है, रस स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। अब ये बाहर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसको अंदर लाना है मन के पास, क्योंकि मन को इच्छा है कि मैं इनका उपभोग करूं। बाहर जो गंध है उसको अंदर चाहिए ना, तभी तो वो अनुभव करके खुशी होगा। बाहर जो रूप है उसको देख करके अंदर चाहिए, तभी तो खुशी होगा। बाहर जो रस है उसका अनुभव करेगा। तो बाहर की चीज को अंदर लाना, इसके लिए एक मीडिएटर चाहिए। तो अंदर है मन और इंद्रियां, बाहर है शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, और इनको लाने ले जाने वाला इंद्रियों का एक अधिष्ठात्री देवता है। वो अधिष्ठात्री देवता लाता ले जाता है, वही इनको प्रेरित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ना कि आवत देखहिं विषय बयारी, ते हटि देहिं कपाट उगारी। ये जो इंद्रियों के अभिमानी देवता हैं, ये इंद्रियों के अभिमानी देवता करते क्या हैं? काय यही करते हैं कि विषय की बयार आते ही इंद्रियों को उन्मुख कर देते हैं कि विषयों का जरा उपभोग कर लो, अन्यथा कौन करता। तो ये बिचौलिए हैं और ये कभी भी नहीं उनको नहीं छोड़ना चाहते। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं, वो ये कार्य करते हैं। ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, श्रोत्र त्वक नेत्र जिह्वा और घ्राण, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक पाणी पाद गुद और जननेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रियां हैं। इस तरह से क्रिया शक्ति काम करने लग जाती है। और फिर द्रव्य शक्ति काम करती है। द्रव्य शक्ति का क्या काम है? काम तत्व से जब विक्षोभ होगा, विकार होगा महत्व तत्व में, तो जो तामस द्रव्य शक्ति बनी है वो आकाश को जन्म दे देती है। और आकाश वायु को, वायु तेज को, तेज जल को, और जल पृथ्वी को जन्म दे देता है। इस तरह से पंच महाभूत तक की उत्पत्ति हो जाती है। अब समस्या ये हो गई कि ये 5 तत्व उत्पन्न तो हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उत्पन्न हो गए, इनको ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी आ गईं, इनके अभिमानी देवता भी आ गए जो इनको प्रेरणा देते हैं, लेकिन ये है कि ये एक को उपलब्धि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सब बिखरे हुए हैं, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब जरूरत क्या पड़ गई कि इनको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके किसी एक से जोड़ दिया जाए कि भाई तुम गंध देना इनको, तुम स्पर्श देना इनको, तुम शब्द देना इनको। तो सबको संगत बनाना ये बहुत जरूरी हो गया। तो जो चीजें बिखरी थीं उनको क्या किया गया? हाथ की ओर ध्यान दीजिए। जब हम बिखरी हुई चीज को क्या करते हैं? समेटते हैं। तो क्या करते हैं? ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसे करिए, करेंगे तो क्या निकलेगा? ऐसे हो जाएगा। समेटा, सब बिखरा हुआ है, अब उसको यूं करके यूं समेटा तो क्या बन गया? एक अंडे जैसा आकार बन गया कि नहीं बन गया? यही अंडा बन गया। जब बिखरी हुई इन चीजों को समेटा गया परमात्मा के द्वारा, तो एक अंडा बन गया, और उसी अंडे के अंदर ये सब चीजें सिमट के रह गई। क्या सिमट के रह गई? सारे विषय, उन विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां और उनको ग्रहण कराने वाले अभिमानी देवता, ये तीनों चीजें इकट्ठी हो गईं। इकट्ठी होकर के अब वो बंद हो गईं। अब बंद करके रख दिया गया, काहे के लिए? झगड़ा करने वाले जो लोग हैं, उन झगड़ा करने वाले लोगों को बंद कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, उदाहरण की दृष्टि से बता रहे हैं, आलोचना करने की दृष्टि से नहीं बता रहे हैं।
कि जब हमारे जो ईसाई बंधु हैं उनके पोप का निधन हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरे विश्व में उनके कार्डिनल हैं, माने उनके पदाधिकारी बड़े वाले, वो 200-300 की संख्या में कुछ होते हैं, उनको सबको वेटिकन सिटी बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि नया पोप चुनना है। तो कई लोग कहते हैं कि हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, अब नया पोप हम बनेंगे, तब झगड़ा होने की संभावना होती है। तो क्या करते हैं वो लोग, उनके यहाँ नियम है कि सारे कार्डिनल को एक हॉल में बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग बाहर से ना फोन से बात होगी, ना संदेश से बात होगी, ना चिट्ठी पत्री जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, अब अंदर किसी का प्रवेश नहीं है और अंदर से कोई बाहर निकल नहीं सकता। ये व्यवहार है, होता है ऐसा, दो बार तो हम ही देख चुके हैं क्योंकि हम लोगों के सामने दो पोप का अंत हुआ और दो बार नए पोप चुने गए तो हम लोगों ने देखा। अब वो क्या करते हैं कि एक चिमनी ऊपर बनी है महल के कि अगर आप लोग सहमत हो जाएं किसी एक पर तब आप भूरा धुआं छोड़िएगा और अगर सहमत ना हो शाम तक तो काला धुआं छोड़ दीजिएगा, हम लोग जान जाएंगे रात हो गई अभी निर्णय नहीं हो पाया। तो वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब लड़ते 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 कभी कभी एक दिन, कभी कभी दो दिन, कभी कभी तीन दिन, कभी कभी चार दिन हो जाता है। बाहर जनता प्रतीक्षा करती रहती है कि निश्चय हुआ कि नहीं। अब अंदर क्या होता है वो कोई नहीं जानता है कि लड़ते हैं कि भिड़ते हैं कि कुछ तो होता ही होगा, इतना लंबा समय लगता है तो जरूर अंदर कुछ होता होगा। जो भी होता हो लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में भूरा धुआं निकल जाता है, बाहर खड़े लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि अब नया पोप चुन लिया गया है। और फिर एक छोटी खिड़की है, वो चुना गया जो पोप है वो आकर के उस पे से हाथ खड़ा करता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब क्या है, अगर उनको कमरे में बंद ना करें तो वो लड़ते रहेंगे और उनकी लड़ाई सार्वजनिक हो जाएगी। कमरे में बंद कर दिया, अब आप लोग आपस में जो कुछ करो, निर्णय करके हमको दिखाओ, तो अंत में निर्णय हो जाता है, एक वाक्यता हो जाती है, है ना। तो वही काम यहां हुआ कि ये जो सारी अभिमानी देवता और इंद्रियां और विषय ये सब छिटके हुए पड़े थे, सबको इकट्ठा कर दिया, एक अंडे के अंदर बंद कर दिया, बाहर कुछ नहीं है। जब अंडा आप देखे होंगे, अंडे से बाहर से कोई चीज अंदर डाली जा सकती है और ना बाहर अंदर से बाहर, वो तो जब अंडा फूटेगा, खोल फूटेगा तभी कुछ हो सकता है। तो एकदम बंद। अब जब बंद कर दिया तो फिर वहां सामंजस्य बन गया। अब मन के साथ सब सब ने अपना अपना तार जोड़ लिया और मन के साथ एकत्र हो गए। जब एकत्र हो गए, अब मन के कहने पर दृष्टि का जो अभिमानी देवता सूर्य है वो रूप को मन के पास पहुंचा देता है कि हाँ अब ठीक है। त्वचा का अभिमानी देवता जो वायु है, जब उससे कहता है मन हमको स्पर्श कराओ तो स्पर्श का अनुभव उसको करा देता है, कहता है ठीक है। इसी तरह से हर इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने का जब पक्का निश्चय हो जाता है, मन के पास चीजें पहुंचने लगती हैं, तब कहता है मन कि अब मैं इच्छा करूंगा। का क्या इच्छा करोगे, का इच्छा करूंगा कि अब बाहर जो गंध है उसको सूंघूं। तो बाहर का गंध सूंघने के लिए अब कैसे अवकाश है, तब अंडे को फूटना पड़ेगा। तब अंडे में छेद कर दिए गए, क्या छेद किया, नौ छेद कर दिए अलग अलग कारण से। रूप देखने के लिए दो छेद इधर बना दिए, गंध सूंघने के लिए दो छेद ये बन गए, रस चखने के लिए एक छेद ये बन गया, शब्द सुनने के लिए दो छेद इधर बना दिए, इसी तरह से मूत्र और मल को निष्कासित करने के लिए दो छेद और बना दिए ना। अब जब ये बना दिए तो फिर जरूरत पड़ गई कि रस ग्रहण करना है तो उसको लेके मुंह तक तो लाना पड़ेगा, तो दो हाथ बन गए। कहा वो दूर है, वहां जाकर के तब हाथ से पकड़ेंगे, तो जाने के लिए दो पैर बन गए। इस तरह से वो जो इंद्रियां थी उनका ये पहले एक अंड बना और अंड बनने के बाद उनमें एक एक छेद होते गए और छेद होकर के जैसी जैसी जिस इंद्रिय की जरूरत थी वैसा वैसा गोलक वहां बनता चला गया और फिर एक पुरुष तैयार हो गया। वो जो पुरुष है उसी पुरुष का नाम विराट पुरुष है और उसी विराट पुरुष से फिर सब व्यवहार है। अब चूंकि 6:30 बज गया,
तो इसलिए आज यही बात को रोकनी पड़ेगी। अभी तो विराट के बारे में बहुत कुछ कहना बाकी ही रह गया, लेकिन ठीक है, जितना भी कह पाए ऐसा ही होता है। कम समय हो तो कम समय में व्यक्ति कह लेता है, जितना होता है उतने के अनुसार कहता है। तो आज इतना ही समय अपने लोगों को मिला, लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, आप लोगों को भगवान विराट के बारे में कुछ शायद स्पष्टता हुई हो कि विराट पुरुष कौन है। यही आदि पुरुष है, क्योंकि ये जो अंडा अंड है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, वो ब्रह्मांड 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, निश्चेष उसमें जीवन नहीं था। 1000 साल के बाद भगवत प्रेरणा से उसके अंदर जीवन आ गया, और जीवन आने के बाद ही तब उसमें चेतना आई, तब अंतःकरण का निर्माण हुआ, तब इंद्रियों का निर्माण हुआ, फिर इंद्रियों के गोलकों का निर्माण हुआ, फिर इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में आपस में समझौता हुआ, और फिर अंग प्रत्यंग निर्मित होकर के तब वो क्रियाशील हो पाया। तो संसार का, हमारे ब्रह्मांड का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष अगर कोई है तो यही विराट पुरुष। अब आदि पुरुष का मतलब वो फिल्म मत समझ लेना आप लोग, कि आजकल एक फिल्म आ गई है आदि पुरुष, जिसमें आदि पुरुष जैसी कोई बात नहीं। आदि पुरुष शब्द का भी मजाक उड़ा दिया, और मजाक क्या, मखौल उड़ा दिया, बहुत निंदा करने की बात। तो हमारे शब्दों का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम कहना चाहते हैं इस भागवत जी के मंच पर, इस चातुर्मास के मंच से कहना चाहते हैं कि लोग हमारे शब्दों का अपमान करने की हिम्मत ना करें। हमारे शब्द हमारे हैं, उनमें हमारे पूर्वजों ने बड़े जतन से अर्थ भरे हैं, उन अर्थों को बदलने की कोशिश करना सही नहीं है। भविष्य में इस तरह से अगर हमारे शब्दों का कोई अपमान करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो कानूनी, सामाजिक कार्यवाही करनी पड़ी तो सामाजिक कार्यवाही हम लोग करेंगे। ये आध्यात्मिक विवेचन था। ये कहा गया है, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। ये जो माता देवहूति थी, उनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए, उनको उपदेश किया अध्यात्म का, उनको सदगति प्रदान की, मुक्ति प्रदान की, उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में अगर जो ग्रंथि है जिसके कारण हम बंधन का अनुभव कर रहे हैं, जो गांठ पड़ी हुई है, उस गांठ का भेदन अगर कुछ कर सकता है तो ये आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उस आत्मदर्शन रूप ज्ञान को बताने का ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 शिव शिव शंभो हर हर महादेव। आज श्री दिनेश खजांची जी और श्रीमती रागिनी खदानची जी ने यजमानत्व स्वीकार किया। सवेरे इन्होंने भगवान सिद्धेश्वर का भक्ति भाव से अभिषेक भी किया, अन्य मंदिरों में भी गए, भगवती का भी दर्शन किया, और सायंकाल ये कथा सुनी, आप सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बैठ करके सुनी। आज का इनका दिन, पूरा आध्यात्मिक दिन बीत गया, बहुत हम लोगों को प्रसन्नता है। भगवान की इनके ऊपर कृपा हो, ऐसी प्रार्थना है।